Good morning, students. Today we will continue the same chapter, Medieval Europe, Rise and Spread of Christianity. It is quite large chapter actually. It is quite big chapter and important also, because many things are there to learn and to understand. In the last video, we were discussing about decline of Roman Empire and the conquer, how Turkish tribe, Ottoman tribe, has conquered the Roman Empire and became the reason of the decline of the Roman Empire. After that, Crusades started. In this video, we will discuss about Crusades. We will know about Crusades. Crusades. The meaning of Crusades means Dharmyudh. धर्मयुद्ध, जब किसी दो धर्म के बीच में लड़ाई होती है, धर्म के लिए लड़ाई होती है, तो उसको कहते हैं क्रूसेड्स. ओके, धर्म के लिए लड़ाई, धर्मयुद्ध. ओके, सो व्हाट वाज द रीज़न? क्योंकि आप जब जानते हो कि जैसे हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा कि कैसे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, फिर उन्होंने कैसे जो है क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट रखा और उनके फॉलोअर्स ने फिर क्रिश्चियनिटी को किस तरीके से स्प्रेड किया, फिर किस तरीके से जस्टिनियन ने जो है उसको पूरा नेशनल रिलीजन बनाया पूरा रोमन एम्पायर का. उसके बाद क्रिश्चियनिटी और भी ज़्यादा स्प्रेड हो गया. लेकिन जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद जो है क्रिश्चियनिटी पे बहुत सारे खतरे आना शुरू हो गए, और उस पर जो उनका जो मेन पिलग्रिमेज था जेरूसलम. जेरूसलम क्यों उनका पिलग्रिमेज है? क्योंकि वहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जो है बर्थ हुआ, और वहाँ पे उन्होंने जो है क्रिश्चियनिटी का एक ओरिजिन प्लेस उसको मान सकते हो. वो जीसस क्राइस्ट रिलेटेड ये प्लेस है, इसलिए जो है ये पिलग्रिमेज है क्रिश्चियंस का. ओके, इट इज़ अ पिलग्रिमेज फॉर क्रिश्चियंस एंड रूल्ड बाई मुस्लिम टर्क्स. पिलग्रिमेज है क्रिश्चियन का और मुस्लिम्स के द्वारा रूल्ड किया जा रहा था. ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही था, क्योंकि जो मुस्लिम रूलर्स थे देवर अटैकिंग क्रिश्चियन पिलग्रिम्स इन जेरूसलम. एक्चुअली वो उन्होंने जो है क्रिश्चियन पिलग्रिम्स को अटैक करना शुरू किया, और जिसकी वजह से जो है क्रिश्चियंस जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब होना शुरू हुए. इसके अलावा जो है जो मुस्लिम्स थे उन्होंने जो क्रिश्चियन पीपल का उस जेरूसलम में आना जाना बंद करा दिया, वहाँ पे बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर दिया क्रिश्चियंस के लिए जेरूसलम को, क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर ये ज़्यादा यहाँ आएंगे जाएंगे वर्शिप करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इस पर अपना कब्ज़ा कर सकते हैं. तो इस वजह से उन्होंने जो वहाँ पर क्रिश्चियंस को प्रोहिबिटेड कर दिया. ओके, फिर उनके आने जाने का रोकने का एक और रीज़न था, मतलब एक और तरीका था आना जाना का, वो था कि ट्रेड के थ्रू जो है ट्रेड अगर होगा तो लोग आएंगे जाएंगे ट्रेड करेंगे. तो उन्होंने क्या किया मुस्लिम रूलर्स ने कि पूरे ट्रेड को ही ब्लॉक कर दिया. यूरोप और ईस्टर्न रीजन में जो भी ट्रेड हो रहा था उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया. इसके अलावा जो भी मतलब क्रिश्चियंस का कुछ खास बिल्कुल लगाव था जेरूसलम के साथ, और उस वहाँ पे वो जा नहीं पा रहे थे, वहाँ पे वो रह नहीं सकते थे, वहाँ वर्शिप नहीं कर सकते थे, इस चीज़ को लेकर क्रिश्चियंस काफ़ी डिस्टर्ब रहना शुरू हुए. तो फिर एक पोप हुए, पोप अर्बन टू. उन्होंने 1905 एडी में जो है फर्स्ट क्रूसेड किया. उन्होंने फर्स्ट क्रूसेड को कॉल किया. किस लिए कॉल किया इस क्रूसेड को? टू कन्क्वायर जेरूसलम. जेरूसलम को कन्क्वायर करने के लिए उन्होंने फर्स्ट क्रूसेड को कॉल किया. देर वर मैनी क्रूसेड्स. वी विल डिस्कस ऑल द क्रूसेड्स वन बाई वन. ओके, इन शॉर्ट ओनली. ओके, फर्स्ट क्रूसेड वॉज हैपेंड इन 1096 टू 99 एडी. ओके, ये 1096 एडी से लेके 99 एडी तक चला ये फर्स्ट क्रूसेड. जो क्रूसेडर्स थे उन्होंने जो है यूरोप
में के अक्रॉस जो है जर्नी करके और एंटियोक और जेरूसलम को कन्क्वायर किया। देन दे क्लेम्ड लैंड्स थ्रू आउट द एरिया और उसके आसपास की जितने भी एरिया थे उसको क्लेम किया। इस क्रूसेड में बहुत सारे मुस्लिम्स और ज्यूज जो है वो मारे गए। ठीक है, सेकेंड क्रूसेड हैपेंड इन 1147 AD to 49 AD। इन योर बुक वन मिस्टेक इज़ देयर, इट इज़ रिटन 1047 AD to 49 AD। इट इज़ रॉन्ग एक्चुअली, यू कैन डू द करेक्शन इन योर बुक ऑल्सो। इफ़ यू आर हैविंग योर बुक देन यू कैन डू द करेक्शन। इट इज़ 1147 AD to 1149 AD। वाई इट इज़ सो? बिकॉज वेन फर्स्ट क्रूसेड हैपन इन 1096 to 99 AD, हाउ इट कैन इट इज़ पॉसिबल डैट सेकेंड क्रूसेड विल हैपन इन 47 to 49 AD? नो, इट इज़ रॉन्ग। इट इज़ 1147 AD to 1149 AD। ठीक है, सो यू विल डू द करेक्शन इन योर बुक। इन दैट क्रूसेड, इन सेकेंड क्रूसेड, मुस्लिम्स कैप्चर्ड डेमस्कस एंड रूटेड द फ्रेंच एंड जर्मन सोल्जर्स। उन्होंने मुस्लिम्स ने जो है इस सेकेंड क्रूसेड में मुस्लिम्स ने जो है वो डेमस्कस को जो है कैप्चर किया और ये सारी चीज़ें सेकेंड क्रूसेड में हुई। थर्ड क्रूसेड हैपेंड इन 1189 to 1192 AD। ओके, सलाउद्दीन एक रूलर था, बहुत बड़ा रूलर था और बहुत ग्रेट रूलर था। उसने जो है सीरिया और नॉर्दर्न अफ्रीका के कुछ पार्ट को रूल किया था। ठीक है, तो उसने जो है क्या किया कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, तो उसने क्रूसेडर्स को जो है जेरूसलम से एक्सपेल कर दिया, वहाँ से भगाया सारे क्रूसेडर्स को एंड रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द पैलेस्टीन, और जित पैलेस्टीन के ज़्यादातर पार्ट्स में जो उसने रूल किया। फोर्थ क्रूसेड हैपन इन 1202 to 1204 AD। इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाई द पोप। आप देखोगे ये सीक्वेंस, पहले क्रिश्चियंस ने अटैक किया, फिर मुस्लिम्स ने अटैक किया, फिर मुस्लिम्स ने वापस जो है अटैक किया। उसके बाद जो है फोर्थ क्रूसेड में जो है क्रिश्चियन ने अगेन जो है अटैक किया। क्रूसेडर्स सेल टू कॉन्स्टेंटिनोपल एंड लूटेड द सिटी। क्रूसेडर्स ने जो है कॉन्स्टेंटिनोपल पे की तरफ गए और उन्होंने उस शहर को पूरा लूटा और इंस्टॉल्ड बाल्डविन ऑफ फ्लैंडर्स एज एम्परर। बाल्डविन ऑफ फ्लैंडर्स को वहाँ का एम्परर जो है बनाया। ठीक है, पूरी एक लड़ाई लड़ी और उसके बाद उसको कन्क्वायर किया, उसके बाद बाल्डविन ऑफ फ्लैंडर्स को जो है वहाँ का एम्परर बनाया। ओके, नाउ फिफ्थ क्रूसेड हैपेंड ड्यूरिंग 1217 to 1221 AD। इट वॉज अगेन कॉल्ड बाई पोप इनोसेंट थर्ड। इट वॉज हैपेंड फॉर कैप्चरिंग जेरूसलम। जेरूसलम को वापस रिकैप्चर करने के लिए पोप इनोसेंट थर्ड ने जो है इस क्रूसेड को कॉल किया था। ठीक है, इन सिक्स्थ क्रूसेड विच वॉज द लास्ट क्रूसेड, इट वॉज हैपन ड्यूरिंग 1228 to 1229 AD। इसमें जो है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो हैं नेगोशिएट किए आपस में और उन्होंने एक स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि अब इसके आगे जो है अब कोई उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके इस चीज़ का सलूशन निकाला और एक दूसरे को शांति से रहने के लिए एक स्टैंड लिया। ओके, तो इट वॉज हैपेंड इन ड्यूरिंग 1228 AD to 1229 AD। ओके, वॉट वॉज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज क्रूसेड्स? इतने सारे क्रूसेड्स हुए, लगभग 200 ईयर्स के लगभग जो है ये क्रूसेड सारा चला, लगभग 200 to 300 ईयर्स के लगभग ये चला। तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हुए। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या था कि इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद जब लास्ट में नेगोशिएट हुआ तो एक नेशनल फीलिंग को जनरेट करने में हेल्प किया ये सारा क्रूसेड, कि ठीक है रिलीजन अपनी जगह पे, लेकिन एक नेशनल फीलिंग भी यूरोपियन पीपल में होना चाहिए और उस चीज़ को जनरेट किया गया। दे रियलाइज्ड दैट दे शेयर्ड द सेम कल्चर। उनको ठीक है रिलीजन जो भी हो उनका, लेकिन
उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि वो सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं, सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सब चीज़ सेम है. तो देन द डिज़ायर टू यूनाइट अंडर वन रूलर लेड टू द बर्थ ऑफ नेशन वन. ओके, और इसकी वजह से जो है ये जो एक साथ मिलकर रहने की जो इच्छा इनके अंदर आई, उसकी वजह से जो है नेशन स्टेट का जो है बर्थ हुआ. ठीक है, नेशन स्टेट का जो है एक सिस्टम डेवलप हुआ. ओके, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट वॉज रीओपन्ड ड्यू टू क्रूसेड्स. द ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्टर्न रीजन वॉज ब्लॉक्ड. सो when this sixth crusade happened and they came to a negotiation, then the trade between east and west reopened. Okay, next is many feudal lords and knights lost their lives in their holy wars. Feudal lords means ek officials ka post hota hai jis army mein, to ye feudal lords the. Or knights, बहुत सारे ऐसे फ्यूडल लॉर्ड्स और नाइट्स ने अपनी जो लाइफ है इस होली वॉर में खो दिया था. तो दिस वाज द दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन ड्यूरिंग क्रूसेड्स. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोनेस्ट्रीज एंड नन्स नंड्रीज. मोनेस्ट्रीज एंड नंड्रीज विद इन 500 ईयर्स ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी बाई द रोमन एम्परर ऑलमोस्ट ऑल यूरोपियन स्टेट्स बिकेम क्रिश्चियन स्टेट्स. With the spread of Christianity, churches were established in villages, towns and cities. Okay? All over Europe. People started seeking the services of the Christian priest for performing religious rites. The priest also took initiative in spreading education and helping the poor and needy. 500 years जब क्रिश्चियनिटी जो रोमन एम्परर ने जो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया उसके 500 इयर्स जो है के बाद जो है क्रिश्चियन जो है क्रिश्चियनिटी जो है वो लगभग जितने भी यूरोपियन स्टेट्स थे सब में जो है सारे क्रिश्चियन स्टेट्स बन चुके थे और ये बहुत वाइडली स्प्रेड हो गया था ऑल ओवर यूरोप में. ठीक है, बहुत सारे चर्चेस जो हैं विलेजेस में, टाउन्स में, सिटीज़ में जो है इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए. लोगों को जो है प्रीस्ट की ज़रूरत पड़ने लगी बहुत सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए. और जो प्रीस्ट थे सिर्फ रिचुअल्स ही परफॉर्म नहीं करते थे बल्कि उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए टू स्प्रेड द एजुकेशन. इस एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए जो पुअर पीपल हैं या जो नीडी पीपल हैं उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए. सम क्रिश्चियंस Christian priest lived among the people to serve them while some others preferred to follow monasticism. बहुत सारे priest जो हैं वो लोगों के बीच में रह के उनकी उनको सर्व करने का चॉइस उन्होंने चूज़ किया. लेकिन बहुत सारे जो priest हैं उन्होंने इस चीज़ को प्रेफर किया कि वो monasticism को फॉलो करेंगे. monasticism क्या होता है? monasticism मतलब होता है कि renouncing of worldly pursuits and devoting life to spiritual work. अपने आप को जो worldly life है उससे दूर करके एक spiritual life को spend करने के system को monasticism कहते हैं. और followers of monasticism renounce worldly pursuits and devote his or her life to spiritual work. Okay? The male Christians who follow monasticism are called monks. And their female counterparts are called nuns. जो male monasticism follower थे उनको monks कहा गया और जो female थे उनको nuns कहा गया. The place where the monks live is called monasteries. जो जहाँ पे monks रहते थे उनको monastery कहा गया, जहाँ nun रहते थे उनको nunnery या convent कहा गया. और monastery का एक दूसरा नाम होता है abbey. ठीक है, monastery या convent का दूसरा एक नाम होता है abbey. और जो मोनेस्ट्री के हेड होते हैं उनको कहते हैं एबॉट. और जो कॉन्वेंट या ननरी के हेड होते हैं उनको कहते हैं एबिस. ठीक है, सेंट एंटोनी ऑफ थेबिस ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ क्रिश्चियंस क्रिश्चियन मॉन्क्स.
सेंट एंटोनी ऑफ थेब्स ने जो है पहला मॉन्क मोनेस्ट्री जो है सिस्टमेटिक मोनेस्ट्री को फाउंडेशन रखा. सो ही इज़ कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मोनेस्ट्रिसिज्म इन यूरोप. इसलिए उनको जो है फाउंडर कहा जाता है मोनेस्ट्रिसिज्म का यूरोप में. लाइफ इन अ मोनेस्ट्री एंड नंडरी वॉज सिंपल एंड डिसिप्लिन. मोनेस्ट्री में जो या नंडरी में जो भी लोग रहते थे उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल और डिसिप्लिन हुआ करती थी. मॉन्क्स या नंस में से किसी को भी शादी करने की परमिशन नहीं था. दे वर नॉट अलाउड टू मैरी. ओके. दे डिवोटेड देयर लाइव्स टू स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस मैटर्स एंड इन द सर्विस ऑफ पीपल. वो उनकी लाइफ किस में डिवोट की थी उन्होंने? स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए में और रिलीजियस लाइफ जीने में. रिलीजियस लाइफ को स्पेंड करने में उन्होंने अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया था और लोगों की सेवा करने के लिए. ठीक है. दे ऑल्सो लर्न्ड वेरियस सब्जेक्ट्स. सिर्फ स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व स्पिरिचुअलिटी तरीके से नहीं इन्वॉल्व थे या रिलीजियस मैटर्स में ही नहीं इन्वॉल्व थे. दे वर ऑल्सो लर्निंग वेरियस सब्जेक्ट्स सो दैट दे कैन स्प्रेड एजुकेशन इन द सोसाइटी. ओके. इम्पैक्ट ऑफ मोनेस्ट्रीज. मोनेस्ट्रीज वर लार्ज बिल्डिंग्स सराउंडेड बाई गार्डन्स फील्ड्स एंड पॉन्ड्स. मोनेस्ट्री जो होता है वो एक लार्ज बिल्डिंग होता है जिसके चारों तरफ गार्डन फील्ड और पॉन्ड होते हैं. ईच मोनेस्ट्री हैड अ चर्च. मोनेस्ट्री है मॉन्क्स रहेंगे तो चर्च तो होगा ही. लिविंग क्वार्टर्स फॉर द मॉन्क्स. वहाँ पे मॉन्क्स रह रहे हैं तो उनके लिए लिविंग क्वार्टर्स भी होता है मॉन्क्स और नंस के लिए. इसके अलावा एक किचन और एक स्टोर रूम होता है. दे इवॉल्व इंटू सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड एजुकेशन एज वेल एज ग्रेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल सर्विस. ये जो मोनेस्ट्रीज थे वो आर्ट और एजुकेशन का एक सेंटर बन के तो उभरा ही उभरा बल्कि सोशल सर्विस का एक बहुत बड़ा सोर्स बना ये. द फॉलोइंग पॉइंट्स इलस्ट्रेट देयर ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी ऑफ मेडिएवल यूरोप. ये जो इम्पैक्ट था मोनेस्ट्रीज का उसका हम लोग देखेंगे कैसे कैसे मेडिएवल यूरोप में जो है किस किस तरह का इम्पैक्ट मोनेस्ट्रीज का पड़ा. अपार्ट फ्रॉम रिलीजन रिलेटेड स्टडी द प्रीस्ट टॉट सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री फिलॉसफी मेडिसिन लॉ एस्ट्रोलॉजी. ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये प्रीस्ट जो है पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे. दिस वे दे मेड एजुकेशन मोर यूज़फुल. और इस तरीके से उन्होंने एजुकेशन को ज़्यादा यूज़फुल बनाया. ठीक है. इन द फील्ड ऑफ आर्ट सच एज वुड कार्विंग ग्लास एंड म्यूरल पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर द मोनेस्ट्री डिड ग्रेट वर्क. बहुत सारे आर्ट वर्क में जो है उन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया था. एज द प्रिंटिंग प्रेस वॉज नॉट एट इन्वेंटेड द मॉन्क्स एंड नंस प्रिपेयर्ड हैंड रिटन कॉपीज ऑफ बाइबल ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स. बहुत सारे ग्रीक और रोमन क्लासिक्स और बाइबल को उन्होंने हाथ से लिख के जो है प्रिपेयर किया. इट हेल्प इन रिवाइविंग लर्निंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज अबाउट द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ यूरोप. जिसकी वजह से जो है बहुत हेल्प मिला एजुकेशन को स्प्रेड करने में नॉलेज को स्प्रेड करने में. ठीक है. द मॉन्क्स एंड नंस स्टेज्ड प्लेज ऑन द लाइव्स ऑफ सेंट टू टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स एंड मॉरल्स टू द कॉमन पीपल. दे ऑल्सो लेड सिंपल लाइव्स टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द पीपल. ये लोगों में मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स को इम्प्लांट करने में बहुत इन लोगों ने जो है इम्पोर्टेंट रोल किया था. लोगों को जो फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं जो सोशल लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं उनको कई बार सही रास्ते दिखाने की ज़रूरत होती है जिस काम को मॉन्क्स एंड नंस ने जो है बहुत अच्छे से किया. देयर वर प्रीस्ट कॉल्ड फ्रायर्स हु यूज्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू हेल्प द पीपल. They helped peasants in their work, cared for the sick and taught the children. कुछ priest जिनको friars कहते हैं वो जो है जगह जगह घूमते रहते थे और लोगों की help करते रहते थे. उन वो किसानों को उनके काम में help करते थे फिर जो बीमार हैं उनको care करते थे या फिर बच्चों को पढ़ाते थे. इस तरीके से वो society को serve करते थे. And like this we have finished our chapter. I will send the picture of the exercise and the question answer of this exercise as this chapter. You will write it down in your notebook. Thank you for watching this video.